लौटेंगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह का जेस्चर असंसदीय है? अब ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है जैसा कि अरुण बता रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा गया है। ये सिर्फ महिला सांसदों द्वारा आरोप है। दरअसल स्मृति ईरानी ने संसद भवन के अंदर ही नहीं बाहर भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। उधर बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने भी राहुल गांधी पर असंसदीय व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। उनसे खास बातचीत की गई है, मेरे सहयोगी ने, आप सुनिए। गांधी जब सदन से बाहर निकलना पसंद करके तो उन्होंने फ्लाइंग किस की। देखिए, ये जो पूरा उनका जेस्चर था वो पूरी तरह से अभद्र विचारों का है, और जब इतने आप खुद को युवा समझते हैं, इतने सालों सारे सीनियर सांसद हो, तो आपको अनुपालन चलना चाहिए संस्कारी भाषा, और जब करोड़ों का देश आपको तो आपको पता चलना चाहिए। सोच आपके शारीरिक रूप से जेस्चर होना चाहिए, मानसिक रूप से आपके घर ये आपके सिर्फ आपकी पार्टी की और आपके संस्कार के लिए बहुत दुख है। लेकिन जो कांग्रेस की महिला सांसद करे इसमें गलत क्या है? मुझे दुख लग रहा है, हम सब महिला सांसद हर विषय में साथ में, लेकिन ये जो महिला सांसद होंगे उसमें क्या गलत है, तो कर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैंने आप करें तो हम आपको कहाँ रुका रहे हैं? फ्री कंट्री तो पार्लियामेंट सांसद किस रूप से अपना जेस्चर करे उसकी रूल है, नियम है। आप नियम कानून नहीं करना चाहते और आप जो भी कुछ करना चाहते हो आप ऐसे लोगों के पास रास्ते पे जो करना चाहिए। मेरे सहयोगी यतेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, मणिपुर हिंसा का मुद्दा तो पीछे छूट गया है, चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर हिंसा पर हो रही थी, लेकिन अब बात पहुंची है राहुल गांधी के संस्कारों की। देखिए बिल्कुल, लेकिन चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही थी। मणिपुर पर चर्चा कराने के लिए सरकार ने बार बार कहा है, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है। हमेशा हंगामा होता रहा, लेकिन जब आप नो कॉन्फिडेंस पर चर्चा शुरू होगी तो उसमें भी बार बार विपक्ष की तरफ से मणिपुर हिंसा की बात की जा रही है। लेकिन आज नो कॉन्फिडेंस पर राहुल गांधी बोल रहे थे अपना भाषण समाप्त करने के बाद। वो जब बाहर की तरफ निकले, जब जैसे स्मृति ईरानी ने बोलना शुरू किया तो तुरंत अपनी सीट से उठे और सदन की तरफ बाहर गए, लेकिन दो कदम जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ाए तो फ्लाइंग किस करने का आरोप उन पर लगा, जो बीजेपी महिला सांसदों ने शिकायत की है कि यह असंसदीय व्यवहार है, कि मिस बिहेवियर है, उनकी बदतमीजी है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया और स्पीकर को शिकायत की है। और खास बात है कि सभी महिला जो बीजेपी महिला सांसद हैं सभी ने मिलकर शिकायत की और स्पीकर से मांग की है उनकी बर्खास्तगी की, कि इस तरह का व्यवहार संसद में पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस महिला सांसदों की तरफ देखकर किया है, तो ऐसे में उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दूं 2018 में भी ऐसा ही वाक्य राहुल गांधी के साथ हुआ, तब भी नो कॉन्फिडेंस जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो रही थी, तब राहुल गांधी अपना भाषण खत्म करके आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिले, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वहां पर खड़े थे सदन में थे उनकी तरफ उन्होंने आंख मारी और आंख मार के वो निकल गए। तो इस बात को लेकर भी तब भी काफी विवाद हुआ था, बवाल हुआ था कि किस तरह से राहुल इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। और एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जब उनका भाषण खत्म हुआ तब उन्होंने इस तरह की हरकत की, इस तरह का आरोप लगाया। हालांकि महिला जो कांग्रेस सांसद है उनका कहना है कि उन्होंने इस तरह की घटना नहीं देखी, उन्होंने राहुल को फ्लाइंग किस करते हुए नहीं देखा, लेकिन बीजेपी सांसदों ने साफ तौर पर कहा है कि यह घटना हुई है। राहुल ने अपना भाषण खत्म करने के बाद जब स्मृति ईरानी अपना भाषण कर रही थी तब उन सबकी तरफ देखते हुए 2018 का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे भी याद है क्योंकि वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, तब भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने आंख मारी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीएम मोदी से गले मिलने के बाद, और तब भी इसे आपत्तिजनक कहा गया था। आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ने बोला और बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद रेखा वर्मा ने इसे आपत्तिजनक करार दिया है। राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस की उस पर जो महिला कांग्रेस सांसद वो कहते कह रही है इसमें गलत क्या है? नहीं, आज उन्होंने जिस तरह से स्मृति ईरानी से स्पीच दे रहे थे उस तरह वो For that, Rahul Gandhi should tender apology. And sir, the way he said the Hindustan ki hatya hui hai in the house. That is what Rahul Gandhi doesn't know how to use appropriate word in the parliament. But he should tender apology for all the
pains and agony caused by Congress misrule in Northeast. And problem in Manipur or any part of Northeast, Congress party is responsible. तो किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को महिला सांसदों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र किया क्योंकि किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, खुद नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मणिपुर में हुआ उसके लिए दरअसल कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और कल भी जब संसद में लोकसभा में किरेन रिजिजू ने सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी थी तो भी उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राहुल गांधी ने आज आचरण दिया है, दरअसल उनको संसद में कैसे शब्दों का चयन करना है ये मालूम नहीं है। तो एक के बाद एक तीर छोड़े जा रहे हैं राहुल गांधी पर, निशाने पर राहुल गांधी है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आचरण पर क्या कहा है ये भी सुन लेते हैं। क्या हो गया राहुल गांधी को, इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको, क्या बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था, भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा। उधर कांग्रेस की तरफ से गीता